एक प्रदेश में संस्कृत शिक्षा माननीय मंत्री जी उत्तर पड़ा गया, प्रश्न पूछ लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ये रिक्तियों के संबंध में राज्य सरकार को कब तक अभ्यर्थना संबंधित भर्ती एजेंसी को ये भर्तियों की मंशा के साथ प्रेषित कर देंगे? अध्यक्ष महोदय, संस्कृत शिक्षा सेवा नियम 1978 में बने थे। हमने 29/9/2022 को संस्कृत शिक्षा सेवा नियम बना दिए हैं और 20/2023 को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु 144 व्याख्याताओं के पद प्रशासनिक विभाग के पास आए हैं। हम वित्त विभाग से उसकी स्वीकृति लेकर, जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति निकालने के बाद अभ्यर्थना भेज देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पद रिक्त हैं उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने की है क्या? अध्यक्ष महोदय, हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है। 48 विद्या संबल योजना में हमने व्याख्याताओं को लगा रखा है, उनको 40,000 रुपया प्रतिमाह हम दे रहे हैं और जैसे जैसे हमारे पास आगामी भर्ती और पदोन्नति से जो रिक्त पद होंगे उसके अनुसार रिक्त पदों को भर लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा में और क्रियान्विति में बड़ा गैप है, तो घोषणाएं तो हुई हैं लेकिन जो नव घोषित संस्कृत महाविद्यालय अभी खोले हैं तो आगामी शैक्षणिक सत्र से ही उसमें पर्याप्त संसाधन हो तो इसकी पूर्ति सरकार कब तक करेगी? भवन, स्टाफ और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सरकार कब तक ये पूर्ति कर पाएगी? अभी तो कॉलेज खोलने की अध्यक्ष महोदय घोषणा हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मुख्य सचिव महोदया को और तमाम प्रशासनिक मशीनरी को ये आदेश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी जिन जिन नए कॉलेजों की स्वीकृति हुई है उसके लिए भूमि पहले अलॉट की जाए और उसके बाद उनका बजट प्रावधान करके भवन का निर्माण भी कराया जाएगा और रिक्त पदों को, जैसा मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताया कि पदोन्नति और नई भर्ती जो हम करेंगे, व्याख्याताओं के 144 पद कुल मिला के राजस्थान में रिक्त हैं, उनके लिए जैसे ही वित्तीय स्वीकृति प्राप्ति होगी हम अभ्यर्थना आरपीएससी को भेज देंगे। अगला प्रश्न संदीप शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पड़ा हुआ